हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज मैं आप सबसे जो टॉपिक बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है दोस्तों पीडीबी। बेसिकली दोस्तों, जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो इंडस्ट्रियल पीडीबी के बारे में बात करूँगा। दोस्तों, पीडीबी का मतलब होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों, इसका नाम से खुद पता चल रहा है कि इस पैनल का जो काम है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये पीडीबी पैनल के फ्रंट व्यू में यहाँ पे हमारे पास तीन इंडिकेशन लैंप है। एक ऑन का है जो रेड कलर से है, ग्रीन है ऑफ, और येलो कलर का जो दोस्तों ट्रिप है। आप दोस्तों इस दोनों में कंफ्यूज हो सकते हैं। ये बेसिकली इंडस्ट्री में रेड से हमारा ऑन को इंडिकेट करता है और ग्रीन से ऑफ का करता है दोस्तों। तो इससे आप कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, हमारा इसमें एमीटर है। एमीटर जो है, जो एनालॉगी है, देख सकते हैं 0 to 150 है। ये लोड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, किस रेंज का हमें लगाना है। तो जो 0 to 150 एम्पियर है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं ASS। ASS का मतलब होता है दोस्तों एमीटर सेलेक्टर स्विच। इससे दोस्तों आप इस सेलेक्टर स्विच की मदद से आप RYB तीनों फेज का करंट आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अभी जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, ये बी पे है, इट मीन्स बी फेज का है, उसमें हमारा लोड नहीं है। अगर आर में है, आर पे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, फिर वाई पे चेक कर सकते हैं। और जो ये है कंडीशन, ये ऊपर वाले में दोस्तों ऑफ है। तो ये हो गया दोस्तों इसके फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में फिर नीचे एक बात कर लेते हो दोस्तों, जो इसका रोटरी स्विच है, इससे दोस्तों बेसिकली हम मेन जो इसका ब्रेकर है MCCB, उसको हम ऑन ऑफ करते हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, ऑन का इंडिकेशन है। तो ये अभी जो है, इट मीन्स ये ऑन है। अगर कुछ कारणवश ये मेन ट्रिप हो गया सर्किट ब्रेकर, तो ये ट्रिप पे आ जाएगा और नीचे ऑफ है। बेसिकली दोस्तों, ये अभी लाइन में नहीं है, आप देख सकते हैं ये लाइन में नहीं है। फिर दोस्तों इसको इंटरनली आपको इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे अंदर से दिखता है और कैसे काम करता है। तो इसको ओपन करते हैं, फिर अंदर से आपको दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, और इसके साइड व्यू जो है, जो पैनल कवर है उस पर ऐसा है। ये हमारा जो इंडिकेशन लैम्प थे दोस्तों, ऑन ऑफ और ट्रिप का। ये हमारा जो देख रहे हो दोस्तों, ये ASS है, एमीटर सेलेक्टर स्विच, और ये हमारा एनालॉगी एमीटर हो गया दोस्तों, जिसका 0 to 150 रेंज था। इसका कनेक्शन दोस्तों, इसका एमीटर सेलेक्टर स्विच में दोस्तों, ये हमारा CT से आता है जो इसमें दिखाता है, और इसका जो है दोस्तों पर्टिकुलर एक MCB दिया हुआ है, उसके थ्रू आता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आपको ओवरव्यू दिख रहा होगा, तो सबसे पहले दोस्तों नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये केबल हमारा, ये 4 कोर का केबल है जो हमारा MCCB के इनकमिंग में लगिंग हुआ है दोस्तों। RYB और एक न्यूट्रल है। ये हो गया हमारा दोस्तों MCCB, जो 160 एम्स का है इसका रेटिंग। ये दोस्तों डिजाइन, ये जो दोस्तों है एप्लीकेशन बेस पे हमारा डिसाइड होता है कि कितने एम्स का लगाएंगे, जिसमें कि देख सकते हो दोस्तों ऑन ट्रिप और ऑफ दिया हुआ है। अगर ये अभी लाइन में है, इट मीन्स ये ब्रेकर ऑन है, ऑन के सामने रहेगा। कुछ कारणवश हमारा आउटलेट साइड में अगर कुछ फॉल्टी हुआ, उसकी वजह से ट्रिप हुआ, तो बीच में आ जाएगा दोस्तों। और ऑफ हुआ, इट मीन्स आप इसको बंद करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन पर दिखाएंगे दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये तीन आउटपुट जो है, इसको RYB तीनों फेज है, जिसमें एक एक CT लगे हुए हैं दोस्तों। हर CT का जो दोस्तों रेशियो है, CT रेशियो 150/5 amps का है दोस्तों। ये तीन CT है तीनों फेज करंट के लिए, जो हम सेलेक्टर स्विच के थ्रू एमीटर में देते हैं, जो हमारा बताएगा हर फेज में कितना करंट है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा बस बार है, देख सकते हैं दोस्तों। ये रेड वाली R हो गए, Y हो गए, B हो गया, न्यूट्रल हो गया। यहाँ से बेसिकली दोस्तों केवल हमारा पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल हमारा ELCB हो गए, MCB हो गए, MPCB हो गए, इस सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों। तो ये जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये हमारा हो गया RCBO। यहाँ पे दोस्तों ELCB और RCCB को मिलाकर RCBO बनाया गया है। RCBO का मतलब दोस्तों होता है रेसिडुअल करेंट विथ ओवरलोड। जो रेसिडुअल करंट ब्रेकर जो है विथ ओवरलोड है दोस्तों, इसमें ये फीचर होता है। ELCB और RCB दोनों को मिलाकर इसमें ये फीचर दिया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास तीन एक चार RCBO है। बेसिकली दोस्तों इसका जो वर्किंग है, ये सब सेम ही है दोस्तों। बेसिकली ये RCD के अंदर आता है, रेसिडुअल करंट डिवाइस के अंदर में दोस्तों ELCB, RCCB और RCBO तीनों आता है। तो जो वर्किंग RCCB और ELCB का है वही है दोस्तों। तो इन शॉर्ट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इसका जो वर्किंग है, इसके अंदर एक टोराइड कॉयल है दोस्तों,
वो जब हमारा फेज करंट और न्यूट्रल करंट के बीच में डिफरेंस आएगा, जब न्यूट्रल करंट हमारा कम जब होगा तो इसके अंदर जो सेंस कॉयल है, कॉयल के अंदर एक सेंसिंग कॉयल है, वो हमारा सेंस करेगा। सेंस करने के बाद जो मैकेनिज्म है इसका, ट्रिपिंग मैकेनिज्म, उसको देकर एक्टिव कर देगा, जिसके वजह से ये ट्रिप हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, एक टेस्ट बटन का भी प्रोविजन है, तो एक इसको हम अभी टेस्ट करेंगे दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों टेस्ट बटन दिया क्यों जाता है, ये दिया इसलिए जाता है दोस्तों कि वेदर ये सही काम कर रहा है या नहीं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो दोस्तों कनेक्शंस होते हैं दोस्तों टेस्ट बटन का, वो एक फेज से न्यूट्रल के बीच में एक एनो पुश बटन डाल दिया जाता है। सपोज दोस्तों इसको हम ऑन किए और हम इस पुश बटन को प्रेस किए तो ये ट्रिप हो जा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, जो हमारा फेज और न्यूट्रल है उसके बीच ये एनो कॉन्टैक्ट, एनो बना के रखा हुआ है, जब भी इसको पुश करने से क्या दोनों शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रिप मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है दोस्तों। ये इस तरह से काम करता है दोस्तों। रह गई बात, ऑलरेडी दोस्तों हम आरसीसीबी पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें जितने भी सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं सबको हम बना चुके हैं दोस्तों, आरसीबी हो या एमपीसीबी हो या एमसीबी हो या एमसीसीबी हो, सबके बारे में बना चुके हैं दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं एमसीबी का। ये फोर पोल एमसीबी है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारा टीवी एंड में जा रहा है दोस्तों। ये भी ये टू पोल एमसीबी है और ये एमपीसीबी है दोस्तों, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली हम लोग लो रेटिंग के लिए मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाता है दोस्तों। ये हमारा टीवी सेक्शन हो गया दोस्तों। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, एक हमारा ये जो नीचे वाली देख रहे टीवी, ये हमारा इंडिकेशन लैंप जो ऑन ऑफ और ट्रिप के लिए है, उसके लिए यूज किया गया है। अब ये नीचे है, इट मीन्स अभी लाइन में अगर ऊपर कर देंगे दोस्तों तो बाईपास हो जाएगा, इट मीन्स ये इंडिकेशन नहीं दिखाएंगे। ये एमसीबी हमारा सप्लाई है। ये ओवरऑल हुआ दोस्तों, ये हमारा टीवी सेक्शन है। यहाँ से हम किसी भी सपोज अगर हम मोटर प्रोटेक्शन के थ्रू, आप देख सकते हैं यहाँ F12 है, F12 में सपोज अगर हम देखें तो F12 नीचे है यहाँ, तो इस टर्मिनल में कुछ कनेक्शंस नहीं है, इट मीन्स अगर कुछ मोटर का ऑपरेट हमको करना हो कनेक्शंस तो यहाँ पे करेंगे। सपोज देखिए F10 में है, इट मीन्स अभी लाइन में कोई भी लो रेटिंग का मोटर अभी हम यूज कर रहे हैं। जो इसका जो केबल आ रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये केबल आकर इसमें हमारा टर्मिनेट होता है दोस्तों। तो यही दोस्तों ओवरऑल इसका ये है, आप इसको एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। और जितने भी इसमें सपोर्टिव इक्विपमेंट्स है दोस्तों, सब पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, दैट्स वाई इसको मैंने कवर किया हूँ। आप उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। रहेगी बात, डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक डाल दूंगा दोस्तों। यही रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों, आप ओवरव्यू एक बार देख लीजिए, ये हमारा हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में रिप्लाई किया जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के प्रति सपोर्ट दिखाइए दोस्तों। इसी तरह के अच्छे से अच्छे वीडियो ENDI बेस्ड, इंडस्ट्रियल ENDI बेस्ड लाते रहूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।